नवरात्र का पावन पर्व नज़दीक, खास करके माता रानी के आगमन के लिए सारे शहरी तैयार हो चुके हैं। हम आपको लेकर चल रहे दिखाने के लिए ओम जय बाबा मित्र मंडल, जहां पर आज नौ दिन तक वहां पर जो मेला लगता है, भक्तों की भीड़ लगती है, देखने के लायक होती है। वहां का आज भूमि पूजन संपन्न किया गया, खास करके वहां पर रवि पाटिल उनके साथ, उनके सहयोगी साथ में ओम जय बाबा मित्र मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के साथ उनके सहयोगी जिस तरीके से वहां पर माता रानी के आगमन में लगे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज भूमि पूजन किया गया, पर यहां जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारे तस्वीरें इन कार्यकर्ताओं के साथ बदल जाएगी 9 दिन के लिए। वहाँ के लोगों में एक खुशी का माहौल व्याप्त होता है कि जिस तरीके से माता रानी का यहाँ पर पूजन किया जाता है, वो सचमुच में काबिल तारीफ रहता है। लोगों की प्रति जो श्रद्धा है, वो माता रानी के प्रति जो श्रद्धा है लोगों का, वो दिखाने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है। हम लेकर चल रहे हैं वहाँ का तस्वीर दिखाने के लिए। खास जब हमारे टीम से बातचीत हुई तो सब ने यही कहा कि माता रानी 9 दिन के लिए आ रही है, कोरोना जैसा महाकाल ये अपने साथ लेकर चले जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकर चलते हैं आपको वहाँ का दृश्य दिखाने के लिए और हमारी टीम के साथ क्या बातचीत की है वह भी सुनाने के। पहले तो मैं ओम बाबा पीर मित्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पूजन का मौका दिया, उनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है और यहाँ पर जो माहौल बनता है, क्या कहेंगे? मैंने भिवंडी में पहली बार ऐसी मूर्तियाँ देखी, जो ये मित्र मंडल की जो मूर्ति है, मुझे लगता नहीं कि भिवंडी में कहीं ऐसी मूर्ति बैठी होगी। कोरोना का काल चल रहा है, क्या कहेंगे लोगों से और खास करके यहाँ पर जो दर्शनार्थी आएंगे, माता जी का दर्शन लेने आएंगे, उनसे क्या करें? ओम पीर बाबा मित्र मंडल को दरख्वास्त करता हूँ जय बाबा से, क्या है जो भी कोरोना का नियम अटी है उनके हिसाब से ही अपन 9 दिन का त्यौहार मनाए, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन दिए उसके हिसाब से ही अपन यहाँ की पब्लिक चलेगी। और सभी हिंदुओं को मैं इनवाइट करता हूँ कि यहाँ आके दर्शन दें। यहाँ की जो मूर्ति है वो बंगाल की है, और ये मंडल जो है ये मंडल बहुत अच्छा है, सभी एक होके यहाँ मंडल का अच्छा उत्साह करते हैं, 9वें दिन यहाँ हवन होता है। और मैं तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं था मगर उन्होंने यहाँ जो 9 दिन का त्यौहार करते तो यहाँ की पब्लिक बहुत खुश रहती है। भूमि पूजन संपन्न किया गया, किस तरीके से नवरात्रि मनाया जाए और सहयोग क्या, जो यहाँ के लोगों का सहयोग मिलता है कैसा रहता है, क्या कहेंगे? ओम जय बाबा मित्र मंडल के 14वें साल के नवरात्र जागरण उत्सव का आज भूमि पूजन हमारे समाज सेवक रवि पाटिल और नीलकंठ पाटिल के हाथों किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा आज भूमि पूजन किया गया, जो हर साल किया जाता है। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, या जिस जगह पे हम लोग यह नवरात्र का आयोजन करते हैं या इन्हीं के देन है, इन्हीं की जगह है। सबसे पहले तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा इनको और जगह प्रदान करें, ताकि यहाँ अगर बिल्डिंग भी बने तो दूसरी जगह हम लोग प्रोग्राम कर सकें। हमारा तो यह कार्यक्रम है यह निरंतर 14 वर्षों से अनवरत जारी है। हमारे साथ हमारे राकेश भाई, विजय मिश्रा जी, अशोक दुबे जी, चंचल जी, रामजी त्रिपाठी जी और हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी भाई साहब, बजरंगी लाल जी और जो भी हमारे मंडल के सब सहयोगी, रमेश जायसवाल जी, आप सभी का सहयोग बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलता है और इस साल भी मिलेगा। इस साल हमने जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया है उसके हिसाब से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हर व्यक्ति को मंडल में प्रवेश नहीं है। मंडल में जो भी आएगा उसको मास्क लगाना जरूरी है, दर्शन करें, यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पे दांडिया का आयोजन नहीं है, गरबा का आयोजन नहीं है, सिर्फ माँ के दरबार में आएँ, माता के दरबार में पूजा करें, आशीर्वाद लें और चले जाएँ। संभवतः अगले साल अगर कोरोना नहीं रहा तो अच्छे ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, एक हफ्ते का ही टाइम बचा है आपके पास, किस तरीके से पार पाएंगे? माहौल बारिश अभी तक हो ही रही थी, जो कचरा है, जो यहाँ पर गंदगी है, यह गंदगी हमारे रवि पाटिल जी हैं, इनकी मिसेज कामनी रवि पाटिल जी नगर सेवक हैं बगल के वार्ड से, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई का पूरा दायित्व यही संभालते हैं रवि पाटिल और नीलकंठ पाटिल जी। यहाँ की सफाई करवाते हैं, यहाँ पर
दवा का छिड़काव करवाते हैं, यहाँ का जो भी अच्छा माहौल बन सकता है वो सब इनके कारण हो जाता है, हमको उसके लिए कोई टेंशन नहीं रहता। इस साल भी अभी आज भूमि पूजन हुआ है, भूमि पूजन के बाद सारे माहौल को, अभी 8 दिन का टाइम है, 7 दिन का, उसमें सब व्यवस्थित कर दिया जाए।